हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 8 का पॉइंट्स टेबल। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से इस पॉइंट्स टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, क्या होगा, कौन सी टीम कैसी रैंक पर चल रही है और आगे जाकर इन टीम के साथ क्या होगा अगर मैच हारती और जीतती है, तो सारी बातें करने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो जाएंगे इस पॉइंट्स टेबल से। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस बार प्रो कबड्डी सीजन 8 के पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है पुनेरी पल्टन की टीम और इन्होंने टोटल एक मुकाबला खेले हुए हैं और एक मुकाबला ये लोग हार भी चुके हैं वो वाला, और इनका टोटल पॉइंट बनता है 0। और यहाँ पर 11वीं नंबर की बात करें तो 11वीं नंबर पर है जयपुर पिंक पैंथर, जिन्होंने एक मुकाबला खेला हुआ है और इन्होंने एक मुकाबला हारे हुए हैं और इनका टोटल पॉइंट बनता है 1। और 10वीं नंबर की बात करें तो 10वीं नंबर पर है यूपी योद्धा, तो यूपी योद्धा ने टोटल एक मुकाबला खेले हुए हैं और वो मुकाबला वो लोग हार गए थे और उनका टोटल पॉइंट बनता है 1। और यहीं पर अगला नंबर पे बात करें तो 9th नंबर पर है हरियाणा स्टीलर्स, तो हरियाणा स्टीलर्स ने एक मुकाबला खेले हैं वो मुकाबला वो हार चुके थे और इनका टोटल पॉइंट बनता है 1। और यहाँ पर अगर 8वीं नंबर की बात करें तो 8वीं नंबर पर है तमिल थलाइबा, और तमिल थलाइबा ने टोटल 2 मुकाबला खेले हुए हैं अभी तक प्रो कबड्डी में और उसमें से एक मुकाबला ये लोग हार चुके थे और एक मुकाबला इनका बराबरी पर ख़त्म हुआ था और इनका टोटल पॉइंट बनता है 3। और यहीं पर 6ठी यहाँ पर 7वीं नंबर पर है तेलुगु टाइटन्स की टीम, तो तेलुगु टाइटन्स की टीम में है ने एक मुकाबला खेले हुए हैं और वो एक मुकाबला इन लोगों का बराबरी पर ख़त्म हुआ था और इनका टोटल पॉइंट बना है 3। और यहाँ पर अगर अगले नंबर की बात करें तो 6ठी नंबर पर है बेंगलुरु बुल्स की टीम, तो बेंगलुरु बुल्स ने टोटल 2 मुकाबला खेले हुए हैं उसमें से एक मुकाबला ये लोग जीते थे और एक मुकाबला हार गए थे और इनका टोटल पॉइंट बनता है 5। और यहाँ पर टोटल इस बार प्रो कबड्डी में अभी तक 2 मुकाबला बराबरी पर ख़त्म हुआ है। तो चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रो कबड्डी सीजन 8 में आखिर कौन है प्रो कबड्डी के पॉइंट्स टेबल पर टॉप 5 के अंदर पे। तो 5वीं नंबर की बात करें तो 5वीं नंबर पर है इस बार पटना पायरेट्स का टीम, तो पटना पायरेट्स की टीम ने टोटल अभी तक एक ही मुकाबला खेले हुए हैं और उसमें से उन्होंने वो मुकाबला जीत लिए थे और इनका टोटल पॉइंट बनता है 5। और यहाँ पर 4ठी नंबर की बात करें तो 4ठी नंबर पर है गुजरात जायंट्स, तो गुजरात जायंट्स ने भी 2 मुकाबला खेले हुए हैं जिसमें से एक मुकाबला ये लोग जीते थे और एक मुकाबला ये लोग हार चुके थे और इनका टोटल पॉइंट बना है 6। और यहाँ पे बात करो 3री नंबर की तो 3री नंबर पर है यू मुंबा की टीम, तो यू मुंबा की टीम ने टोटल 2 मुकाबला खेले हुए हैं जिसमें से एक मुकाबला ये लोग जीते हुए हैं और एक मुकाबला हार चुके हैं और इनका टोटल पॉइंट बनता है 6। और इस लिस्ट में है 2री नंबर पर है और इस बार मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस बार दिखाई दे रही है, अभी देखने पर, अभी हाल के मैचेस देखने पर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है बंगाल वॉरियर्स का टीम, जिन्होंने अभी 2 मुकाबला खेले हैं और इन्होंने 2 मुकाबला जीते हैं और इनका टोटल पॉइंट बनता है 10। और इनके टीम में रेडिंग से लेकर डिफेंस दोनों ही लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और सभी टीम कर ये लोग चल रहे हैं और अगर ऐसे ही आगे तक ये लोग खेलते गए तो ये लोग पक्का ही इस बार ट्रॉफी जीत सकते हैं। और यहाँ पे पहली नंबर की बात करें तो इस बार पहली नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर अभी दबंग दिल्ली की टीम, तो इन्होंने 2 मुकाबला खेले हुए हैं और वो दोनों मुकाबला को ये लोग जीत गए थे और इनका टोटल पॉइंट बना है 10। और मैं आपको बता दूं दबंग दिल्ली में सिर्फ नवीन कुमार ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सभी प्लेयर उतना अच्छा इनका साथ नहीं दे पा रहे, बस कुछ ही, और डिफेंस तो बहुत ज़्यादा इस पर ख़राब अभी हाल के मैचेस में देखने के लिए मिले। और इससे पहले जो मैच हुआ था उस मैच में नवीन कुमार ने अपना टीम का आधा से ज़्यादा रेड पॉइंट इन्होंने खुद ही लाया था, इन्होंने टोटल रेड पॉइंट लिए थे 16 और एक टैकल पॉइंट लिए थे, इन्होंने टोटल 17 पॉइंट लिए थे और इनके आसपास भी और कोई प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा था, इनके टीम में कोई भी रेडर इनका उतना अच्छा साथ नहीं देते हुए हमें दिखाई दे रहा था इस मैच में। लेकिन इससे पहले वाले मैच में विजय ने थोड़ा बहुत साथ दिया था, 8 पॉइंट लिया था, लेकिन सेकेंड वाले मैच में उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिला था, कोई इनको सेकेंड रेडर अगर अच्छा साथ दे दिया तो ये टीम बहुत आगे तक जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।